सो आज मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने होम स्टूडियो के साथ कि मेरे पास होम स्टूडियो में क्या क्या सेटअप है, या फिर अगर आप लोग होम स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आपको कैसा सेटअप करना होगा, और या फिर आप कोई कैरोके सेटअप बनाना चाहते हो, जैसे कैरोके सिंगर बनना चाहते हो आप, उसके लिए कोई सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो की मदद से पूरा ब्रीफ में जानकारी मिलेगी। आप बड़े अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या सेटअप लेना है, और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उस सेटअप को खुद भी परचेज कर सकते हैं। इसलिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं। सो पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अपने सेटअप का। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो यहाँ से मेरे पास जो पहला इंस्ट्रूमेंट है, ये है रोलैंड SPD-SX सैम्पलिंग पैड। सो इसको बीट्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, लाइव कंसर्ट्स में बजाने के लिए यूज़ करते हैं। देन जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, स्केल चेंजर हारमोनियम है, 4-line 13 स्केल चेंजर। देन उसके बाद आप देख रहे हैं दो वाइट कलर में, एक डिजिटल तानपुरा है, एक डिजिटल तबला है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको उसके पीछे दिखाई दे रहा है एक मॉनिटर, स्टूडियो मॉनिटर, तो ये यामा का HS8 मॉडल है। सो मेरे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों ही हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो उसके ऊपर आप देख रहे हैं जो स्पीकर पड़ा है, स्टूडियो मॉनिटर, उसके नीचे एक ऑडियो इंटरफेस पड़ा है। सो ये सोलो ऑडियो इंटरफेस है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक लैपटॉप भी है मेरे पास, जिसको मैंने पूरा सेटअप कर रखा है अपने स्टूडियो मॉनिटर के साथ। उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास एक जो LED है, बहुत बड़ा है, 42 इंचेस का LED मैं यूज़ करता हूँ। ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब कोई करोके गाना होता है, या फिर आपको कोई स्टूडियो से कोई ट्रैक बनाना होता है, तो उसके लिए इतना LED का बहुत बड़ा यूज़फुल होता है, बहुत काम आता है ये चीज़। देन उसके बाद आप देख रहे हैं अगर लैपटॉप और LED के बीच में आप देखो एक छोटे से स्पीकर पड़ा है, उसके ऊपर एक रेड कलर का एक और ऑडियो इंटरफेस पड़ा है। मेरे पास टोटल 2 ऑडियो इंटरफेस हैं। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक कीबोर्ड है कैसियो का, और देन यू कैन सी राइट हैंड स्टूडियो मीटर का दूसरा जो पेयर है, उसका जो स्पीकर है वो देख रहे हैं आप। देन यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 2 कीबोर्ड और पड़े हैं, एक है रोलैंड XPS-30, दूसरा जो है ये है रोलैंड फैंटम XS। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक हारमोनियम दिखेगा, ये मेरा स्टूडियो माइक है रोड NT1A, तो आपको दिखाई दे रहा हो। एक मेरे पास BM-800 माइक्रोफोन जो कि हारमोनियम के ऊपर पड़ा, आप देख ही रहे हैं। देन उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मिक्सर, साउंड क्राफ्ट का 12 चैनल मिक्सर है, ये मल्टी ट्रैक है। सो इसमें टोटल आप एक ही टाइम पे 12 चैनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप देख ही रहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें आपको ब्लिंक कर रहा होगा, है ना। आप राइट हैंड पे देखिए मास्टर यहाँ पे। सो जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेशन दिखाता आपको। सो आई एम यूजिंग राइट नाउ दिस ऑडियो इंटरफेस, और यू कैन सी मिक्सर फॉर स्पीकिंग एंड फॉर रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे एक और कीबोर्ड है, ये है रोलैंड फैंटम G6। सो मेरे पास टोटल 5 कीबोर्ड हैं, 4 अभी इस रूम में अवेलेबल हैं, और एक कीबोर्ड मेरे पास नीचे पड़ा है प्रैक्टिस के लिए। और मेरे पास 3 हारमोनियम हैं, 2 इस रूम में अवेलेबल हैं, एक नीचे प्रैक्टिस के लिए रख रखे। सो ये मेरा छोटा सा सेटअप है, आप भी ऐसा सेटअप बना सकते हैं। बट ये आपको बताना चाहूँ कि मेरे पास जो माइक्स हैं टोटल आप देख रहे हैं 2 माइक यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना, 2 माइक आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कि ये आपका रोड NT1 है, एक वो BM-800, एक मैं जिस माइक से बोल रहा हूँ ये है सनहाइजर का माइक है, इसका जो मॉडल नंबर है 825। सो लगभग इतना सेटअप बड़ा होता है कि किसी भी इंसान को अगर एक होम स्टूडियो बनाना हो, और या फिर कोई रिकॉर्डिंग करना हो, या फिर कोई कैरोके गाना हो, बहुत अच्छा एक सेटअप है ये, एक प्रोफेशनल सेटअप है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बिगनर लेवल का सेटअप है, दिस इज़ प्रोफेशनल सेटअप, इसमें सब कुछ है। देन उसके बाद ये तो थी मेरे सेटअप की बात। अभी मैं आपको बता दूँ कि आपको इतना बाय करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इतने सेटअप का प्राइस बता दूं, थोड़ा आपको हैरानी होगी इतने प्राइस को सुनने के बाद। सो मेरे को जो इस सेटअप के ऊपर खर्चा आया, लगभग 13 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं, और मेरे को ये सेटअप बनाने में कम से कम 5 साल लग गए। धीरे धीरे मैंने छोटा छोटा सामान ले लेके इसको बनाया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सेटअप होम सेटअप बनाने के लिए, होम स्टूडियो बनाने के लिए आपको भी 13 लाख खर्च करने की ज़रूरत है। आप उसको 10,000 में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना। सो इंसान की नीड के ऊपर ही इंसान बनाता है,
सो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इतना खर्च किया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर होम स्टूडियो बनाना है तो आपको किस सेटअप की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, सबसे पहले होम स्टूडियो बनाने के लिए एक तो माइक चाहिए होता है, कंपल्शन है, ठीक है। आप छोटे माइक से भी काम चला सकते हैं, 1000-1200 की रेंज में भी माइक आ जाते हैं, है ना, स्टूडियो वाले कंडेंसर माइक जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। सो फिर आपको स्टूडियो मॉनिटर चाहिए होता है, वो आपके 10,000 के अंदर अंदर वो भी आ जाते हैं। फिर ऑडियो इंटरफेस चाहिए होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि वो रेड कलर के बॉक्स में पड़ा हुआ बॉक्स, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग के लिए। सो रिकॉर्डिंग के लिए ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास लैपटॉप तो आजकल हर एक इंसान के पास अवेलेबल होता है, उसके लिए आपको अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। सो ये तीन चीज़ें ले लो छोटी छोटी, एक ऑडियो इंटरफेस, एक स्टूडियो मॉनिटर और एक माइक, आपका एक छोटा सा होम स्टूडियो या फिर होम तो जो बन जाता है, एक सेटअप बन जाता है जिसे आप अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो वो लगभग आपका 20,000 के अंदर अंदर अच्छा खासा रेडी हो जाता है, एक बेसिक सेटअप। सो देन बात करें अगर आपको कैरोके सेटअप बनाना है, तो कैरोके सेटअप के लिए आपको जो चाहिए होता है, आपको स्टूडियो मॉनिटर से भी काम चल जाता है, पहली चीज़ है स्टूडियो मॉनिटर, दूसरा है कि माइक, और तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको दिखाई रखा है मिक्सर, ठीक है। सो ये मिक्सर काफ़ी बड़ा है, आपको इतना मिक्सर की ज़रूरत नहीं, आप छोटा मिक्सर भी लेके काम चला सकते हैं, 6-7 हज़ार में आ जाता है। हालांकि इस मिक्सर का जो प्राइस है 30,000 रुपये है, जो ये मेरे पास 12 चैनल का मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग मिक्सर है साउंड क्राफ्ट का। सो आप 6-7 हज़ार के अंदर जो मिक्सर आ जाते हैं उसके साथ भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली आप मान के चलिए 20-25 हज़ार में आपका कैरोके सेटअप भी बन जाता है, और 20-25 हज़ार में आपका होम स्टूडियो का सेटअप भी बन जाता है। फिर आपका जैसे जैसे आपका काम हो, जैसे जैसे आपकी नीड्स हो, आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ अच्छी इनकम अर्निंग हो जाए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे मैंने 13 लाख खर्च कर दिया तो आपको भी 13 लाख खर्च करना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कम में भी चला सकते हैं काम अपना, ठीक है जी। सो देन अभी मैं बताता हूँ कि मैंने जो अपना कैरोके सेटअप कर रखा है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कर रखा है, आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो थोड़ा आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना, आप ये जो ब्लू कलर की केबल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की केबल है, ये मैंने आउटपुट लिया है लैपटॉप से, ठीक है जी। ये आउटपुट मैंने अपने लैपटॉप से लिया है, इसे हम बोलते हैं लाइन आउटपुट। तो ये मैंने जो आउटपुट ले लिया, इसको मैं लेके गया हूँ अपने मिक्सर में। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये मैंने चैनल वन में उस जो ब्लू कलर की केबल गई, उसको चैनल वन में इंसर्ट कर रखा है, ठीक है जी। देन उसके बाद ये जो आपको कुछ और केबल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग माइक के हैं। जैसे ये एक जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आपको दिखाई दे ये वाला जो NT1A है, सो इसकी ब्लैक कलर की केबल है, आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, ये ब्लैक कलर की केबल है और ये भी इस मिक्सर में मैंने लगा रखी है। सो अलग अलग माइकों की वो जो केबल्स हैं, और ये जो आपको वाइट कलर की केबल दिख रही है, ये जो देख रहे हैं, ये जो जा रही है, सो बेसिकली दिस इज USB केबल टू कनेक्ट योर मिक्सर टू योर कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस केबल का यूज़ होता है। और देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो दो केबल्स लग रखी हैं ग्रीन कलर की, सो ये स्टूडियो मॉनिटर्स की केबल है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। और यहाँ पे एक जो रेड कलर और एक वाइट कलर की केबल लगा रखी है, ये भी मैंने छोटे जो होम थिएटर होते हैं ना, 5-in-1 होते हैं, जैसे जिसको हम नॉर्मल मल्टीमीडिया स्पीकर बोलते हैं, घर पे गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं ना, सो मैंने उनको भी इसमें लगा रखा है लेफ्ट एंड राइट में, ताकि अच्छी आवाज़ आ सके, अच्छा साउंड बन सके, है ना। सो आपको इतना सेटअप करने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको मैंने कैसे सेटअप कर रखा है। सो मैंने कंप्यूटर से आउटपुट लिया ब्लू कलर का, इसमें लगा दिया। देन आउटपुट्स के लिए मैंने स्टूडियो मॉनिटर यूज़ कर लिए, इनपुट के लिए ये जो ब्लू कलर का केबल इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे आउटपुट के लिए चला गया, ठीक है जी। देन उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सो आगे आप देख ही रहे हैं, ये जो मेरा स्क्रीन है बड़ा सारा जो LED है,
सो इसको मैंने यूज़ किया है लैपटॉप के लैपटॉप से आउटपुट लेने के लिए। आप देख ही नहीं, लैपटॉप की जो स्क्रीन है मेरी वो चल नहीं रही है, हालांकि वो लैपटॉप से ही कनेक्टेड है। अगर मैं अपना एलईडी बंद कर देता हूँ तो आपको वो जो स्क्रीन है मेरा लैपटॉप का चालू हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। सो बेसिकली इतना बड़ा स्क्रीन इसलिए ले रखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई स्टूडियो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम करना है तो उसमें करना अच्छा आसान रहता है, बहुत इजी इजी अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा दिखता है सब इसमें। और दूसरी बात है कि अगर आपको कैरोके गाना तो ये भी तब भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी, सो ये सारा सेटअप मैंने कर रखा है कैरोके के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करा है। सो आप इस पे देख के बड़े आसानी से गा सकते हैं। मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ, देखिए आपको पता भी चलेगा कि आप इसके साथ कैसे गा सकते हैं। सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिल मिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन। हालांकि मैंने अभी प्रॉपर सेटअप नहीं किया, एक रैंडमली मैं आपको गा के दिखा दिया। करोके गाने के लिए अलग अलग सेटअप करने पड़ते हैं क्योंकि वोकल के ऊपर कैसा आपको इफेक्ट देना है ना। सो अभी वैसा नहीं है, अभी तो बिल्कुल ड्राई आवाज़ है मेरी जो आप सुन रहे हैं। और दूसरी चीज़ है ये, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया कि आपको होम स्टूडियो और करोके सेटअप के लिए कुछ अलग से कुछ बाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, आप बड़े आसानी से अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखो ऑडियो इंटरफेस का क्या काम होता है रिकॉर्डिंग के लिए, ये जो पड़ा है रेड कलर का और ये जो ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको जो छोटा सा मेरा क्लॉक दिख रहा है ना, इसके नीचे भी आप एक ये देख सकते हैं, ये भी एक ऑडियो इंटरफेस है। ठीक है जी, सो बेसिकली ये भी एक ऑडियो इंटरफेस है। ऑडियो इंटरफेस का काम क्या होता है कि खाली रिकॉर्डिंग के लिए, बट मैं सजेशन यही करूँगा अगर आप स्टूडियो बना रहे हैं, अगर आप चाहते हो खाली रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए आप स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ऑडियो इंटरफेस ही लेना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप चाहते हो कि कैरोके सेटअप भी हो आपका, कैरोके भी गा सकें, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकें, देन यू शुड गो फॉर दिस टाइप ऑफ मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग मिक्सर्स। सो इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें आप गा भी सकते हैं और अपना कैरोके सेटअप भी बना सकते हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना बजट हो आप आपका सो आप उतना बाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको फिर भी किसी को लगता है कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ को बड़ा डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है सेटअप, कैसे कैसे किस चीज़ की क्या यूज़ होती, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी के लिए ये वीडियो सही रहा होगा, होगा आपके लिए, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।